Assalamualaikum students, welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 7, Subject Hindi, Chapter Number 2, तब याद तुम्हारी आती है। बॉयज़, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में इसका जो रेसिटेशन था वो हमने देख लिया है, प्लस हमने इसकी एक्सरसाइज भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर ली है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा व्याकरण सेक्शन। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है, यानी हमें इसका क्या बताना है, शब्द प्रयोग बताना है, यानी ये शब्द का मीनिंग क्या है। सो फर्स्ट वन इज कुक। कुक का मीनिंग क्या होगा? कोयल की बोली। इरादा, इरादा यानी संकल्प करना, संकल्प। तरुवर एक ट्री का नाम है, इसलिए इसका मीनिंग क्या होगा? श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। मुग्ध यानी मोहित। गुजारिश का मतलब होता है निवेदन, गुजारिश यानी निवेदन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या बना हुआ है, पूरा बॉक्स बना हुआ होगा, और ये जो शब्द है ये आपको खुद ढूंढने हैं। जैसे कि सुबह, वो उसका मीनिंग क्या है वो आपको ढूंढ के लिखना है। सुबह का मीनिंग है प्रातःकाल, तो देखो हमने यहाँ प्रातःकाल के ऊपर लाइन की हुई है। अब हमें खुशी का मीनिंग ढूंढना है, खुशी का मीनिंग क्या होगा? आनंद, तो आनंद के ऊपर हम लोग इसे लाइन करेंगे, ठीक है, बॉक्स बनाएंगे, सर्कल करेंगे। खुशबू का मतलब क्या होगा? यहाँ हम ढूंढेंगे सुगंध, तो सुगंध के ऊपर हम लोग ऐसे सर्कल करेंगे। बहुत का मतलब होगा ज़्यादा, बहुत यानी ज़्यादा। मुस्काना यानी हंसना, यहाँ से लेना है हंसना, ठीक है। अब इसका हमें वाक्य में प्रयोग भी करना है। खुशी का मतलब होता है आनंद, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले खुशी का मीनिंग जो था आनंद वो लिखेंगे, अब उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। आज शेर में बड़ा आनंद आया, आज शेर में बड़ा आनंद आया, शेर यानी मुसाफरी करना, टहलने में बड़ा आनंद आया। सेकंड वन इज़ खुशबू। खुशबू यानी सुगंध, उसका वाक्य में प्रयोग करना है, मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। अब जब आप वाक्य में प्रयोग करोगे तो हमें ये आंसर का वाक्य में प्रयोग होना चाहिए, सुगंध का वाक्य में प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, खुशबू का नहीं। बहुत का मतलब होता है ज़्यादा, तो ज़्यादा का वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, आज ठंड ज़्यादा है। हम लोग बोल रहे ठंडी ज़्यादा, ठंडी नहीं बोला ठंड, आज ठंड ज़्यादा है। फोर्थ वन इज़ मुस्कान यानी हंसना, उसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? जोकर को देखकर हंसना आता है, जोकर को देखकर हंसना आता है। नेक्स्ट वन, आप लोगों को इस तरीके से वचन परिवर्तन करना है। वचन परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे एक वचन हो तो हमें बहुवचन करना है, बहुवचन हो तो हमें एक वचन करना है। अब फर्स्ट वन जो है चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया यानी चिड़िया का मतलब ये एक चिड़िया के बारे में। अब यहाँ पे हमने जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि उसको बहुवचन करना है, तो हमें या के ऊपर इस तरीके से अनुस्वार लगाना है, ये रैप करेंगे हम लोग, चिड़िया उड़ रही है। कली नहीं खिलती, ये वाला है वो मैन है, तभी वो बहुवचन कहलाएगा, ठीक है। कली नहीं खिली है, ये कली के बारे में, तो यहाँ क्या होगा? कलियाँ नहीं खिली है। बूंद गिर रही है, बूंदे गिरती है। दरवाजे खुले हैं, दरवाजे यानी बहुत सारे दरवाजे, अब यहाँ एक वचन करना है हमको इसका, दरवाज़ा खुला है। लड़कियां खेल रही है, बहुवचन है, हम इसका एक वचन करेंगे, लड़की खेल रही है। तो यहाँ हमारा सेकंड चैप्टर का व्याकरण जो है वो भी फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।